चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर वन करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है जी। तो अच्छा, इन क्वेश्चंस को मुझे बार बार पूरा पूरा लिखना पड़ रहा है, सिर्फ यही सोच और यही समझ के कि शायद आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी और आपने डाउनलोड नहीं की होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे एनसीईआरटी की पीडीएफ इस चैप्टर की जो है वो अटैच की हुई है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ना, तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सा नल सेट है, इनमें से कौन सा नल सेट है, ये एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है। तो पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू। सर ऑड नंबर्स टू से डिविजिबल नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो रहे, और दुनिया का कोई ऑड नंबर ऐसा नहीं जो टू से डिविजिबल हो जाए, तो ये नल सेट है। ठीक, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो टू है ना टू, तो वो तो सिंगल टन हो गया ना, नल सेट नहीं होगा ना, सिंगल टन होगा, ये नल नहीं है, नल नहीं है। क्या है वो उसने नहीं पूछा, क्या नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो ये भाई उसने पूछा ये नल है या नहीं, तो ये नल नहीं है। खैर तीसरी बात, एक्स एज देट हमारा एलिमेंट ऐसा हो कि वो नेचुरल के जैसा हो, और नेचुरल में पांच से छोटा और सात से बड़ा, ठीक, पांच से छोटा भी हो और सात से बड़ा भी हो। सर देखिए, पांच से छोटा भी और सात से बड़ा भी है ना, तो ये तो नल सेट नहीं होगा ना भाई, दोनों बातें एक साथ कह रहा ना, पांच से छोटा और सात से बड़ा। तो पांच से छोटा मान लीजिए चार है, तो चार सात से बड़ा नहीं है ना, सात से बड़ा नहीं है ना, कोई सात से बड़ा मान लीजिए दस है, तो वो पांच से छोटा नहीं है। वो कह रहा है नेचुरल भी हो और ऐसा भी हो, यानी पांच से छोटा भी हो और सात से बड़ा भी हो, मजाक हो जाएगा ना, नहीं भाई ये नल सेट है, नल सेट है। वाई सच दैट एक एलिमेंट ऐसा हो, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखिए दो जो पैरेलल लाइंस है ना, वो पैरेलल है ही इसलिए कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, y वो एलिमेंट है जो एक पॉइंट है दो पैरेलल लाइंस पर, और वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट कभी हो ही नहीं सकता ना जो दोनों पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस पर कॉमन हो, तो ये नल सेट है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।